नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस बगिया में। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और थोड़ा सा काम मुझे यहाँ पे करना था क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, ग्रीन नेट भी लगाना है और बहुत सारे प्लांट अपने आप तैयार हो गए हैं। जैसे देखिए ये मॉर्निंग ग्लोरी के हैं, इसमें देखिए ये सीड्स भी मतलब कलियाँ भी बनी हुई हैं और फ्लावरिंग भी हो रही है, कल ये फ्लावरिंग हुई है और इतने सारे प्लांट हो गए हैं हर जगह हर गमले में। एक ये है देखिए यहाँ पे भी, और इनकी ये जो बेलें हैं ना, ये कहीं यहाँ कहीं सब जगह चढ़ती चली जा रही हैं। ये मेरा एक राखी बेल का पौधा है, ये भी इसकी भी बेलें खूब इधर उधर फैल रही हैं। तो ये सब अरेंज करना है क्योंकि अगर इनको समय से नहीं ठीक किया तो फिर ये फिर जड़ अपनी पकड़ मजबूत कर लेंगी और फिर इनको हटाना बहुत मुश्किल होगा, फिर प्लांट भी ख़राब होगा। तो एक ये टिकोमा का प्लांट है, इसमें राखी बेल ने अपने आप को इतना ज़्यादा लपेट लिया है कि मतलब बड़ी मुश्किल है अभी इनको सही करना। यहाँ पे भी देखिए हर जगह, यहाँ एक पिछले साल गमले में पौधा लगा था, ये जा रहा है, ये पुरानी बेल है, इसको मैंने यहाँ तो कर दिया है पर ऊपर भी चढ़ाना है, पर हर तरह से इनकी शाखाएं निकल रही हैं और कहीं भी इधर उधर सब फैल रही हैं। तो आज यही काम मैंने सोचा कुल्ला कर लूं टाइम से, नहीं तो फिर गर्मियां स्टार्ट हो जाएंगी और फ्लावरिंग का इनका समय है ही, फिर फ्लावरिंग रुक जाएगी। एक को मैंने देखिए यहाँ पे, इसको यहाँ पे लपेटा है कि ऊपर ये चली जाए, और इतने सारे प्लांट हो गए हैं और ये भी देखिए निकल ही रहे हैं। इसके बीज जो होते हैं बहुत ज़्यादा फैलते हैं, बहुत ही ज़्यादा फैलते हैं, मैंने कितने सारे तो हटाए हैं यहाँ से। एक यहाँ पे भी, ये भी राखी बेल, ये चढ़ती चली जा रही है इधर, राखी बेल नहीं मतलब मॉर्निंग ग्लोरी का है। तो यही काम आज मुझे करना है, यहाँ के जितने भी पौधे हैं प्लांट हैं इनको भी, इनकी रिपोर्टिंग नहीं हुई है और इसमें खाद भी नहीं डाला है, आज ये काम मैं कर रही हूँ। और यहाँ पे वैसे सारे प्लांट अब अच्छे से चल रहे हैं, जो विंटर वाले प्लांट हैं मैंने इधर यहाँ पे रख दिया था कॉर्नर में, ये छोटी सी दीवार है, और फ्लावरिंग अच्छे से कर रहे हैं, धूप भी इनको 12 बजे तक की मिलती है। अब प्लांट ख़राब हो रहे हैं, काफ़ी कुछ सूख रहे हैं क्योंकि इनका टाइम जा रहा है, तो अब नए पौधों का समय आ रहा है। देखिए ये गुड़हल है, ये हाइब्रिड वाले हैं, बहुत बड़ा फूल आता है इसमें और फ्लावरिंग ग्रोथ भी अच्छी पकड़ ली है। देखिए ये सब, और ये अरेंजमेंट भी करना है। तो गार्डन का काम तो ऐसा है कभी ख़त्म ही नहीं होता है। टिकोमा में भी फ्लावरिंग स्टार्ट कर दी है और बाकी भी सारे प्लांट जो हैं बड़े वाले सब अच्छे से चल रहे हैं, इनकी भी रिपोर्टिंग कर दी थी, एक्स्ट्रा रूट जितनी भी थी वो हटा दी थी और गोबर की खाद DAP वर्मी कंपोस्ट मिलाकर नई मिट्टी तैयार करके उसको उसी गमले में फिर शिफ्ट कर दिया था, जड़ें सारी हटा दी थी पुरानी जड़ें। तो यही काम, ये विंटर के जो प्लांट्स हैं सब सूख रहे हैं, फ्लावरिंग का इनका टाइम ख़त्म हो गया है। देखिए ये सारे इसमें सीड्स भी बन रहे हैं, अगर सीड्स चाहिए हो तो ऐसे प्लांट छोड़ देंगे और ये जब पूरी तरह से सूख जाएंगे तो ये अगले साल के लिए सीड तैयार हो जाएंगे। तो ये सब गमले मुझे खाली करने हैं क्योंकि अब गर्मियों के मुझे प्लांट लगाना है, कोचिया वगैरह लगाना है, तो इनको सबको हटा देते हैं, ऊपर से ही कट करके प्लांट पूरी तरह से निकाल देंगे क्योंकि अब ये कलियाँ तो बहुत सारी बनी हुई हैं पर ये अब हेल्दी कंडीशन में, फूल का साइज़ भी ना बहुत छोटा हो गया है, तो इन्हें हटा दे रहे हैं। और मॉर्निंग ग्लोरी के बहुत सारे जो प्लांट हो गए हैं उनमें से कुछ रखना है, कुछ को हटा देना है। तो हर जगह जो आपको बताया था, हर जगह मॉर्निंग ग्लोरी सब फैली हुई है, तो इस तरह से फ्री के बहुत सारे प्लांट तैयार हो जाते हैं। कुछ पौधे जो ऐसे होते हैं कि एक बार लाना होता है फिर अपने गार्डन में वो कभी जाते ही नहीं है, जैसे मॉर्निंग ग्लोरी हो गया है और ये मैक्सिकन पिटूनिया के, यहाँ पे इतने सारे पौधे लगे हुए हैं अपने आप उगे हैं, ये इस तरह का इनका फ्लावरिंग, ये कलर है पर्पल कलर का है, वाइट और पिंक भी आते हैं पर मेरे पास यही है, इसी में इनके सीड्स बनते हैं और अपने आप ही वो फूट जाते हैं, जरा सा टच करने से फट जाते हैं और सारे बिखर जाते हैं। एक ये भी प्लांट है कि जो मतलब मेरे गार्डन में इतने सारे हो गए हैं कि मुझे हटाना पड़ता है, ये देखिए मॉर्निंग ग्लोरी का ये फ्लावर आज खिला है। मेरे पास वैसे 3 कलर थे पर शायद वाइट ही कलर बचा है, बाकी के प्लांट नहीं बचा होगा तो उसके सीड्स नहीं तैयार हुए हैं। तो ये सारे मैक्सिकन पिटूनिया हैं, एक लाइन से मुझे दूसरी जगह लगाना है और इनको खाद पानी भी देना है जिससे कि अब ये गर्मियों में अच्छे से फ्लावरिंग कर सके। तो इस तरह से जितने भी सूखे पौधे हैं उनको मैं हटा रही हूँ, जैसे ये देखिए ये वो है
पिटूनिया है देसी वैरायटी वाला, इसके भी बहुत सारे सीड्स तैयार हो गए, मतलब पौधे तैयार हो गए। एक ये है, ये है, ये थोड़ा गर्मी तक फ्लावरिंग करता है, जब बहुत तेज़ गर्मी आती तभी ये हटता है, वरना काफ़ी समय तक ये साथ देता है। ये देखिए, एक ये मैं पॉट लेकर आ गई हूँ, अभी तो बहुत सारे प्लांट हैं, और देखिए मैंने सफाई भी चालू कर दी है। अपने जो बड़े बड़े गमले हैं परमानेंट पौधे वाले, उनको मैं अलग कर रही हूँ, और उनको सब मिट्टी वगैरह सब चेंज करनी है, वो काम मैं करती रहूँगी। फ़िलहाल मुझे जो मॉर्निंग ग्लोरी का काम करना था, इसमें एक डहलिया का प्लांट लगा हुआ है, और इसमें ही ये मॉर्निंग ग्लोरी का एक प्लांट चढ़ गया था, पर मतलब खींचातानी में वो पौधा तो टूट गया है। ये दूसरा बचा हुआ है, तो इसको मैं ये ट्रेलिस लेकर आई हूँ, और इसी में मैं ऐसे लगा दूँगी, और बीच में इसको मॉर्निंग ग्लोरी को इसमें चढ़ा दूंगी। तो ये अपनी जो हाइट लेगा, सिर्फ इतनी ही हाइट लेगा, इसी में मैं घुमाती रहूंगी, और ये इसी में ही ग्रो करता रहेगा और फ्लावरिंग करता रहेगा। और ये जो डहलिया का प्लांट अभी तो अच्छा है, और इसमें भी फूल भी बन रहे हैं, पर अब इसको मुझे हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी इनका टाइम भी ख़त्म हो गया है, और फालतू के ना काम बढ़ ही रहे हैं। धीरे धीरे मुझे काम सारा ख़त्म करना है गर्मी आने से पहले, तो ये प्लांट मैंने हटा दिया है, अब ये ग्रो नहीं करेगा, इसको भी मैं निकाल दूंगी। और फ़िलहाल तो मैं ट्रेलिस लेकर आई हूँ, मैं इसको इसमें दूसरे भी प्लांट ये बन ही रहे हैं, मतलब इतने सारे पौधे हो जाते। ये देखिए, ये वो है 4 o'clock है, जो डार्क रानी कलर का जो फ्लावर आता है उसका ये पौधा है। ये भी बहुत बहुत ज़्यादा ग्रो करता है, और इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि फिर छोटे गमले इसमें सर्वाइव नहीं कर पाते, और दूसरे प्लांट तो इसको भी मुझे हटाना पड़ेगा, साइड में रख दूँ पहले, इसको भी मुझे हटाना पड़ेगा, क्योंकि फिर ये ग्रो नहीं कर पाएगा। अब ये खाली एक मॉर्निंग ग्लोरी का प्लांट बचा है, इसी को मैं अब मैं लगा दे रही हूँ। इस तरह से देखिए मैंने सेट कर दिया है, और नीचे से ही अभी मैं राउंड राउंड इनको घुमा रही हूँ। प्लांट को मैंने बीच से निकाला है, ट्रेलिस के बीच से, और राउंड राउंड करके इसके चारों तरफ ऐसे लपेटती चलूँगी, और ये एक बार अगर डायरेक्शन दे देंगे तो फिर ये बेल अपने आप ही ऊपर चढ़ती चली जाएगी। इस तरह से ये काम हो गया है। अभी यहाँ पे एक प्लांट मेरा और है यहाँ पे, ये भी देखिए, तो 2 हैं इसमें, और मतलब बहुत सारे पौधे हैं यहाँ पे भी लगा हुआ है। तो ये सारा काम मुझे करना है, और फिर इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए और अच्छे से फ्लावरिंग करे, ये वैसे तो मिट्टी अभी विंटर फ्लावर की ही थी, इसमें मैंने डहलिया का प्लांट लगा रखा था, पहले इसमें मैंने गुलदावदी लगाया था, उसने अच्छे से फ्लावरिंग करी थी, फिर उसको थोड़ी सी खाद मिला के मैंने डहलिया की सैपलिंग लगा दी थी। अब इसमें क्या करेंगे, गुड़ाई करके इसमें थोड़ी सी वर्मी कम्पोस्ट GAP डाल के इसको धूप में रख देंगे, क्योंकि प्लांट तो पूरा निकाला नहीं है, फिर पानी दे देंगे। और केयर में बस इसको सनलाइट तो ज़रूर चाहिए, और मॉर्निंग ग्लोरी है तो ये सुबह ही ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं 9-10 बजे तक, उसके बाद इनके फ्लावर मुरझाने लगते हैं। और समय समय पे इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए, जैसे अगर वर्मी कंपोस्ट है या गोबर की खाद है, उसको पानी में एक मुट्ठी गोबर की खाद को 1 लीटर पानी में भिगो के, और फिर वो पानी इसमें डाल देंगे, तो इनकी ग्रोथ अच्छी होती है और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से करते हैं। ज़्यादा पानी से इनको बचाना है, और मिट्टी सूखने भी नहीं देना है, हमेशा मॉइस्चर बनी रहनी चाहिए, इसमें मॉइस्चर बना ही रहना चाहिए, और फुल सनलाइट में ये पौधा रख सकते हैं। काम आज मुझे करना है, और गार्डन बहुत अच्छे से चल रहा है, गर्मियों की तैयारी करनी है, बेला वगैरह भी अपनी ग्रोथ में आ गए हैं, इनको भी मुझे खाद देना है, और कि अच्छे से फ्लावरिंग करें। तो चलिए काम मैं अपना कर लेती हूँ, और फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।